अधिकार संपन्न व्यक्तित्व का मौका दिया है और आप तो और कई मामले में भाग्यशाली भी हो। एक बार अधिकारी बने तो जिंदगी भर रहोगे अगर सही चलोगे तो। हम लोगों को तो हर 5 साल में परीक्षा देना पड़ती है। आज आपको ज्ञान विज्ञान की सारी बातें कर रहा हूं और कल मैं चुनाव में भारत माता की जय हो गया तो परसों आप नमस्ते कर लो। हमारी दुनिया से आपकी दुनिया का एक संबंध सीधा है, वो अच्छा है, जिसको आपको समझना चाहिए। हमेशा तो ये दौर से निकलते ही रहते सारी बातें। इस दल का आदमी आएगा वो अपनी बात करेगा, इस दल का आदमी आएगा वो अपनी बात करेगा और इधर से उधर से जो भी बात करेगा, लेकिन इस दलदल में आप हमेशा दिखोगे, आप नहीं भी बचोगे। अपने मुकाम पे आपको अपने आप को कैसे माइंड सेट करना होगा तो ये आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में आप देखो तो आपको दिख जाएगा। अभी आपको अगर इस आंख से देखने की दूरी देखना हो, इस आंख से दूरी देखने की बताए तो अभी हम में से सब प्रयास कर ले के बता तुरंत दिखाओ कि किसकी दिख रही, तो दिखा सकता है। जब तक दूसरी आंख बंद नहीं करो आप खुद डिसाइड करना मुश्किल जाएगा। एक आंख की डिस्टेंस कितनी है दूसरी आंख की डिस्टेंस, ऐसे कई रहस्य हमारी बॉडी के अंदर। ये आपको अपने वो सारी चीजें जब आप काम करने जाओगे तो आपकी फाइल में दिखाई देगा, इसकी गहराई कहां तक है, इसकी दूरी कहां तक है, इसका इफेक्ट कहां पड़ने वाला। आप कुछ करो तो करने का और न करने के बीच का। लेकिन मैं शुभकामना भी जरूर दूंगा, इस दुविधा में हमारे कई मित्र उसको टालने में विश्वास करते हैं, इसको कैसे बचो जाए। तो टालते हैं वो जो कायर होते हैं, कायर नहीं बनना, बहादुर बनना। हमको लगता है कि सही है तो जरूर उस दिशा में बढ़े। जब आप सही उस दिशा में बढ़ते तो आपकी साख बनी, आपकी पहचान बनी, आप में आत्मविश्वास होता, परमात्मा का विशेष आशीर्वाद मिलता, उसकी सफलताओं के झंडे कैसे गढ़ते हैं ये अपने वर्तमान में शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं के माध्यम चाहे आज भी और अतीत के काल में भी देख सकते। कोई इससे डरने की जरूरत नहीं। एक नहीं कितने उदाहरण लगातार हमारे यहाँ उदाहरण है। आप ध्यान दोगे अपने यहाँ अजित डोभाल का उदाहरण है, उनका भी ऐसे कोई प्रशिक्षण हुआ होगा, ऐसे ही कोई अधिकारी थे, लेकिन आज उनका नाम ही काफी है कि नहीं। दो तीन नाम लूंगा आज के और बाकी अतीत के कुल नामों की तुलना कर ले। एक अर्जुन मेघवाल जी आते कानून मंत्री, कौन कौन जानता है उनको, जरा मुझे जो पहचानता हूं मुझे बताया, जो प्रशिक्षु होता है वो बता दे क्या है उनकी पहचान, क्या है अधिकारी, कैसे नेता है, क्या है, कहां से चुने गए थे, पहले क्या करते थे, कौन बताएगा, बता आप क्या कर, ये आप बता रहे थे कुछ, लेकिन वो दोनों काम कर चुके हैं। राज्य की आपने शासन की सेवाओं में भी रहे और अब मंत्री भी बैठे। एक और मंत्री है, कौन है, विदेश मंत्री, ये तो कितनी जल्दी बता दिया। तो हमारे में से ये जो उदाहरण अभी भरे पड़े इन उदाहरण से ध्यान में आएगा ना आपको, अधिकारी बने तो अधिकारी बनने के बाद एक इसके पहले सिन्हा जी थे, आजकल वो विवादास्पद भी है लेकिन उनका डायलॉग बड़ा काम का है। बिहार में किसी मामले में कोई मंत्री से छन गई उनकी, उन्होंने नौकरी को त्याग पत्र दिया, उन्होंने कहा ठीक है मैं आज से छोड़ता हूं, तुम तो कभी नहीं बनोगे लेकिन मैं तो ये भी बन गया, तुम बोलो मैं बन जाता हूं। लेकिन ये उदाहरण मैं आपको इसी लड़ाने बिड़ाने के लिए दे रहा हूं, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दे रहा हूं। इक्के और बेताल की कहानी किसने किसने सुनी होगी, तो नहीं क्या है कहानी विक्रम बेताल की, कौन विक्रम बेताल का एक थोड़ा जिसको इतिहास मालूम है कि बेताल क्या है, कौन बताएगा। ये भी कॉन्फिडेंस चाहिए, भले गलत बताए बता तो सकते, दम तो चाहिए इतना। हाँ बताओ, बेताल एक प्रेत था सर, पेड़ पे रहा करता था। अच्छा। राजा विक्रम उनको लेने गए थे, अगर वो बोलते तो वो फिर उठ के चले जाता था। चलो मैं ये बता दूं, अगर आप गलत बोल रहे हो तो हो सकता है सही बोल बताएगा,
कैरेक्टर अमिताभ की, और कहानियां एक सेंस में तो मुझे याद नहीं है, मुझे याद है आज भी। कहानी मत सुना, मतलब ये बता दो बेताल कौन था? वो बेताल एक बुराई का प्रतीक है। बुराई? जी सर। बस बस शुरू में यही गलत हो गया, बेताल गलत नहीं है। और बताओ, इसको बता, आप बताए। अभी आखिर ये इसके बाद में चालू कर दूंगा, नहीं तो ये चलता है। नमस्कार सर, बेताल बेताल भट्ट के नाम से उनके नौ रत्नों में से एक रत्न। तो ये गलत तो नहीं था ना, बेताल गलत थे कि सही थे? ये मतलब ये जो दो उत्तर आए ना कि आपको ध्यान हो, एक ने कहा कि बेताल एक बुराई का प्रतीक है, तो आपका क्या मत है, सहमत है असहमत है? बुराई का प्रतीक नहीं थे, प्रेत के रूप में थे। कहानियां हैं वो प्रेत को उनको दर्शाया गया है। कहानियां अलग बात है। अभी आपने एक अच्छा विषय लाए, वो नवरत्नों में से, तो नवरत्नों में से आठ फिर भूत हो गए, फिर अगर उनमें एक वो भूत हुए तो हो गए कि नहीं हो गए? इसका मतलब क्या, आपके उत्तर ये है, चलो मैं ले लेता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, मैं वो आपकी काम की बात बताता हूँ और ये मैं खत्म कर दूँ, मेरे पास तो बहुत सारे आइटम चले ही गए। बेताल और विक्रम, विक्रम ने अपने पराक्रम से, सुक्रम से अपना शासन की सारे व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदल दिया। जब एक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ पराक्रम से शासन के सूत्र हाथ में लेता है, तो अगर वो समझदार होगा तो वो अपने ऐसे सुयोग्य लोगों की मालिका बनाता आसपास, अपने मंत्रिमंडल के, अपने अधीनस्थ सारे सक्षम अधिकारियों की खून ढान करके काम देता है। ऐसा भी उसको माना जाता है कि वो नवरत्नों की आविर्भाव जो हुआ वो विक्रम के टाइम से, वो बाद में हर शासक ने ऐसी अपनी कल्पना कर। अब चूंकि जब नवरत्नों की बात आती तो तुरंत समझ में आ जाता कि वो टैलेंटेड होंगे तभी तो उसमें आएंगे, है ना ऐसा? तो अभी आपने कहा कि विक्रम भी उसी में से थे तो अपने आप आ गए। अब ये भी एक बात सही है कि जो सक्षम आदमी है, सुयोग्य आदमी है, अच्छा समझदार आदमी है, तो अगर शासन के शासक की बुद्धि से उसका तालमेल नहीं बनता है, अगर उसका नहीं, उसका तालमेल नहीं होगा, उसकी समझ नहीं होगी, या कई बार वो परिस्थितियां सब विपरीत हो जाती तो अच्छा आदमी क्या थोड़ा सा हट जाता है। ऐसा मानने वाले बहुत कम है, लेकिन हमारे यहाँ भूत प्रेत की कहानी बना देते ना, जैसे चंदा मामा आती थी तो विक्रम बेताल की कहानी शुरुआत करने के लिए वो सालों साल पता नहीं कितने 1500 कहानी बना दी होगी, असली में तो केवल 25 कहानियां होंगी, और ये 25 भी कहानियां, उन कहानियों का प्रत्येक आखिरी में जाकर के लपोलुभाव आपको ध्यान में आएगा। तो वो बुद्धिमत्ता के उत्तर की अपेक्षा के साथ कहानी की जाती है, प्रश्न से शुरुआत होती है, समाधान से खत्म होती है उत्तर देने के बाद। ऐसे विक्रमादित्य का जीवन का वो बड़ा जो रोचक प्रसंग है, उस प्रसंग का सार ये है कि विक्रम एक बहुत बेताल, बहुत बुद्धिमान आदमी, और विक्रम वो व्यक्ति जो प्रशासन के सूत्र हाथ लेकर के ऐसे कई सारे लोगों के बीच में अपना जीवन एक पहचान बना भी रहा है, लेकिन वो बहुत बहादुर है विक्रम, और उदार भी उतना ही, दानशील भी उतना ही। तो उदारता, दानशीलता, पराक्रम, पुरुषार्थ, ये गुण होना अलग बात है, लेकिन कभी कभी जैसे ज्यादा पहलवान लोग भूले होते ना, ज्यादा ताकतवर लोग, तो विक्रम का एक पाठ ये भी जीवन का था कि वो उदार बहुत थे, जो मांगे देने के लिए तैयार थे। तो विक्रमादित्य को जब लोग मैदान में नहीं हरा पा रहे तो कुछ न कुछ करते हैं, तो एक षड्यंत्रकारी विक्रमादित्य के पास आकर के साधु के वेश में उससे दान मांगता है कि मेरे को इसका कुछ दे मेरे को, तो वो विक्रमादित्य कहता मेरे पास जो मांगोगे मैं दूंगा। विक्रमादित्य से वो कहता है कि वो बेताल वहां रहता है, उसको लेकर आओ, मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा, ये मेरी इच्छा है, मैं तप कर रहा हूँ, तप में बलि चाहिए। वो दौर ऐसा था जब नरबली भी चलती थी। अब बेताल चूंकि शहर से बाहर अपने आश्रम बना के रहता था, और हो सकता उसके पास में कोई शमशान वमशान होगा, जंगल में तो ऐसे ही रहता है, तो ऐसा माना जाता कि बेताल भूत नहीं है, लेकिन बेताल के पास जब ये जाता है तो बेताल जल्दी किसी जो समझदार आदमी रहता है वो तुरंत हाँ करता है किसी बात की, तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। अब विक्रम उससे जाके कहता है चलो तुम मेरे साथ, बोले कहाँ चलना है, बोले चलना तो बाद में, तुम बताओ तुम मेरे को ले जाने के अधिकारी हो क्या नहीं? तो वो एक एक करके दो तीन चार पांच छह लगातार वो अपनी कहानी सुनाता है, बेताल बार बार उसको प्रश्न में प्रश्न दिए जाता है, वो सब उसके उत्तर देता जाता है। तो वो बुद्धिमान हुआ कि मूर्ख हुआ? बेताल बहुत बुद्धिमान है,
आखिरकार वो समझ जाता कि हाँ विक्रमादित्य मेरे लायक व्यक्ति है जिसके साथ मैं साथ दे सकता हूँ। वो सहमत हो जाते कि मैं चलना तैयार हूँ। फिर वो पूछते कि तुम बताओ मेरे को लेके कहाँ जाना चाहते हो। तो वेताल को विक्रम बता देते कि भैया वो मेरे पास एक सन्यासी आया, वो आपको चाहता तो मेरा काम उसको देना, ये तो इसीलिए मैं शक्ति सोचता हूँ। तो वेताल कितना होशियार है ये हमको समझना चाहिए कि वेताल उसको काम में लगाता रहता है बार बार, लेकिन ये पीछे से जानकारी निकालता है कि मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो तो हिलता भी नहीं वहां से, और वो कहता है कि विक्रम तुम मूर्ख हो, तुमको बाकी सब गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम जिसके पास मेरे को ले जाना चाह रहे हो वो तुम्हारा ऐसा उपयोग करेगा कि वो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर, मेरे तो बहाना है, पहले वो मेरे को मारना चाहेगा और बाद में वो तुमको मारेगा। वो मारने का कारण बता देता है कि वो आपके राज्य में कब्जा करना चाहता है और तुम नादानी में उसकी मदद कर रहे हो जो तुमको मारना चाहता, तुम्हारे राज्य हड़पना चाहता। तुम जरा देखो तो सही तुम क्या करना चाह रहे हो। विक्रमादित्य को चक्कर रह जाता है। उन्होंने कहा चलो ठीक है आपने बताया तो मैं क्या करूं, कैसे निकलूं, मेरे तो उस कमिटमेंट कर लिया। तो वेताल फिर उसका रास्ता ढूंढ देते हैं कि आप जब मेरे को ले चलो इस स्थिति में ले चलो कि जैसे मैंने आप मेरे हाथ पांव बांध दो, मेरे को लटका के ले चलो कि मैं तुमको बंदी बना के लाया, इस भाल में ले चलना, जब तुम ले जाके उसके सामने डाल दोगे तो फिर वो तुम्हारे सामने षड्यंत्र के नाते मेरे को तो बंदी बनवा ही ले रहा हूँ क्योंकि मैं उसके बंदी में होकर मेरी बात में हत्या करेगा। और आपसे वो कहेगा कि एक काम करो अब तुम ले आए, बोले हाँ ले आए, तो बोले साधु तो अपने नियम से बधे रहते हैं, वो भेंट ऐसे नहीं लेते जब तक उनके सामने साष्टांग दंडवत नहीं करो, उनका प्रणाम नहीं करो। तो वो आपसे प्रणाम करने का बोलेगा, आप उसको प्रणाम करोगे तो आपकी तलवार से हत्या कर देगा, गर्दन काट देगा। बोले अच्छा फिर मेरे को क्या करना चाहिए। बोले तुम एक काम करना, तुम मेरे को ले चलो, ले चलने के बाद उसके सामने खड़े होकर के कहना साहब अब क्या करूं, तो कहेगा प्रणाम करो, साधु प्रणाम मांगता है, तो आप कहना भी तो राजा हूं मेरे को प्रणाम आता नहीं, आप बताओ कैसे करना है, तो करके बताएगा तो उसकी गर्दन काट देना, ये काम खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ जीवन भर अपन राज्य चलाएंगे। तो मेरी आपकी इस प्रशिक्षण की पूरी बात यहाँ खत्म हो जाती है कि हम अपने पास आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढते रहे, सामने वाले के प्रश्न भी समझते रहे, एक दूसरे को जानते रहे और आपके